हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम फोर्थ लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया बेटा, प्रोबेबिलिटी का कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए आपको मैंने बेटा चार मुख्य स्टेप बताए थे। मैं दोबारा से हर बच्चे को एक कॉमन मैसेज दे रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है भाई, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तब सैंपल स्पेस अवश्य बनाएं, मुख्य तौर पर क्वाइंस एंड डाइस के केस में। ठीक है, ये बेटा हर बच्चे को बनाना है। देखिए, हो सकता है बार बार बनाना आपको थोड़ा सा यूँ लगे कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट द वेस्टेड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसलिए करते हैं ताकि इससे मिस्टेक होने के चांस आपके कम से कम हो जाए। तो ये हर बच्चा इस बात को दिमाग में रखेगा, जब भी प्रोबेबिलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, देन पहला काम आपका यही होता है बेटा, सैंपल स्पेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है उसके ऊपर इवेंट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बनाना आपके लिए कंपलसरी है हर क्वेश्चन में। आज मैं आपको तीन क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। देखिए बेटा, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, जब डाइस का एक पेयर, एक जोड़ा डाइस थ्रो की जाती है बेटा, तो सबसे पहला काम आप आगे कुछ मत पढ़ो। पेयर ऑफ डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करना आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये चीज देखते ही आप इससे जुड़ा हुआ सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। जैसे देखिए, मैंने यहाँ बना रखा बेटा सैंपल स्पेस, ये है सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द पेयर ऑफ डाइस। बेटा इसमें 36 केस होते हैं, रिजल्ट आप याद रख सकते हो, लेकिन आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को उसके अंदर मेंशन करेंगे ताकि चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना आपके लिए आसान हो, इसलिए मस्त है बेटा। और इसमें काउंट किया आपने कितने केस हैं, 36, ये आप यहाँ रिकॉर्ड करें। उसके बाद देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी बेटा, सम ऑफ नंबर एज प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखो इवेंट, ये एक इवेंट है बेटा, मैंने इसको नाम दे दिया बेटा इवन, यहीं पे नेमिंग कर दो जहाँ उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको नाम दे दिया इवन। तो आपकी इवन इवेंट क्या है, सम एज ए प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 2, 3, 5, 7, 11। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होता है बेटा, 13। लेकिन क्योंकि डाइस के केस में मैक्सिमम सम आपका 12 हो सकता है बेटा, 6 लार्जेस्ट पेयर बना, इसलिए आप 11 के बाद के प्राइम नंबर को कंसिडर नहीं करोगे। और देखो 2, 3, 5, 7, 11 ये हैं, ये तो इवेंट इवन जब मैं एज ए सैंपल स्पेस तैयार करूँगा, इवेंट इवन को एज ए सेट तैयार करूँगा, तो सबसे पहले प्राइम नंबर किन का सम 2 आएगा, तो केवल एक एलिमेंट है जिसका सम 2 आता है 1, 1। फिर सम 3 चाहिए तो 2, 1 और 1, 2। फिर सम 5 चाहिए तो 1, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 3। फिर सम 7 चाहिए 6, 1, 1, 6, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3। फिर आपको 11 चाहिए 5, 6 एंड 6, 5। सो यू नो दीज आर 15 केसेस। तो इवन में कितने नंबर है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इवन आपके पास कितने हैं, 15। अगर ये है तो देयर फोर यहाँ साथ ही साथ सोल्व करते जाएं, वेट ना करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब इवन में आपने भी काउंट किए कितने एलिमेंट थे बेटा, 15, और एस में कितने एलिमेंट है, 36। आप इसको कैंसिल भी करो, ठीक है, और करना भी चाहिए जब तक कोई रेशो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं रहता। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 5/12। यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस लेक्चर में भी था, जहाँ पर हमने 7 के केसेस काउंट नहीं किए थे। एज अ मिस्टेक मैंने ये नोइंगली छोड़ा था ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि कितने बच्चे वीडियो लेक्चर को बेटा ध्यान से देखते हैं। फिर मैसेज भी मैंने कन्वे किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने वो चीज़ एज इट इज नोट करके मुझे चेक कराई। इट मीन्स यू आर नॉट 100% अटेंटिव। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। कोई भी चीज़ को फर्स्ट अच्छे से उसको बेटा लिसन करें, तभी आप कॉन्सेप्ट गेन कर पाओगे। सेकेंड पार्ट कहता है प्रोडक्ट एज प्राइम नंबर। वहाँ तो आपको दोनों नंबर का बेटा सम प्राइम नंबर चाहिए था, यहाँ प्रोडक्ट आपको प्राइम नंबर चाहिए, तो मैंने इसको मान लिया इवेंट E2। ठीक है भाई, जो प्रोडक्ट है नंबर्स का वो एक प्राइम नंबर दर्शाता है, इसको E2 से दर्शा दिया। फिर वही बात है, प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए डाइस के केस में बेटा
दो नंबर का मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 7 और 11 मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए उनको मैंने पहले ही वहाँ लिस्ट से रिमूव कर दिया। अब देखो बेटा, किन दो नंबर की मल्टीप्लाई 2 होती है, 1 2 की और 2 1 की, 3 1 3 और 3 1 की, 5 1 5 और 5 1 की। सो देर आर 3 and 3, 6 केसेस इन E2। ठीक है, तो आप सेकेंड पार्ट सोल्व करो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालोगे, वो आपके पास लिखने का ढंग है नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो ऊपर 6 है बेटा और नीचे 36 है, योर आंसर इज 1/6। पार्ट नंबर 3, प्रोडक्ट एज परफेक्ट क्यूब, दोनों नंबर जो आपने ऑब्टेन के डाइस पे उनका जो प्रोडक्ट है बेटा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। मान लो हम इस इवेंट को नाम दे देते हैं E3। तो देखिए बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 8 आपके परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद अगला परफेक्ट क्यूब 27 आएगा, लेकिन डाई में किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 27 नहीं होती। इसके बाद आगे फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्ट 36 होता है, तो 1 होता है 1 1 के केस में और 8 होता है 2 4 और 4 2 के केस में। इट मीन्स E3 के फेवर में कितने केस आपके पास, 3। आपका जो थर्ड पार्ट है बेटा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए पार्ट 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये आपके पास रहेगी, ऊपर तो आपके पास जाएगा 3 एलिमेंट्स, नीचे आ जाएंगे 36 एलिमेंट्स, तो 1/12। ठीक है, अच्छे से देखो समझो, आप इसको नोट करो बेटा, ठीक है, रफली मत रीड कीजिएगा। देन आपके पास फोर्थ पार्ट आता है बेटा, प्रोडक्ट एज परफेक्ट स्क्वायर, इसको नाम दे देता हूँ मैं E4, इसको नाम दे दिया मैंने E4। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर प्रोडक्ट आना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास है 1, 4, 9, 16, 25 and 36। अब 1 देखो 1 1 के केस में, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 2 के केस में, 9, 3, 3 के केस में होगा, 16, 4, 4 के केस में होगा, 25, 5, 5 और 36, 6 और 6 का प्रोडक्ट है, तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो E4 के फेवर में कितने केस आपके पास बेटा, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 आपके पास क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस 8 हैं और टोटल आपके 36 हैं। आप 4 से कैंसिल कर सकते हो बेटा, 2/9 इज योर आंसर। तो डाइस के पेयर ऑफ डाइस के केस से संबंधित अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपका आता है, देन यू हैव टू डू लाइक दिट। मैं इसके ऊपर एक मिनट का पोस्ट देता हूँ, आपको सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से बेटा देखो, इसको प्रॉपर नोट करो और इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। ठीक है, एक लीप ईयर, कोई ऐसा लीप ईयर बेटा जिसमें 53 संडे होंगे, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बात क्या होती है बेटा, टोटल डेज इन अ लीप ईयर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टोटल डेज इन अ लीप ईयर। अब आप जानते हो बेटा, एक लीप ईयर जो होता है उसमें फैमिली में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, 29 डेज का होता है। सो लीप ईयर में टोटल आपके पास 366 डेज होते हैं, टोटल डेज, नंबर ऑफ टोटल डेज इज 366। और क्योंकि आपको संडे काउंट करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन 366 डेज को बेटा वीक में कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 का डिवीजन लगा देता हूँ मैं इसको, 7 5 जा 35, 1 इज रिमाइंडर 6, 7 2 जा 40। तो देखिए बेटा, फाइनली आपका रिमाइंडर क्या रहा, 2। ये जो 52 है ये बेटा आपके पास कंप्लीट वीक हो गई, क्या हो गई, ये कंप्लीट वीक हो गई। ठीक है, तो 52 वीक्स होते हैं, दैट मीन्स हर डे 52 टाइम्स तो आएगा बेटा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरी डे इज 52 टाइम्स। अब जो आपके पास ये रिमाइंडर 2 है ये बनाएगा बेटा सैंपल स्पेस, यहाँ बनती है पॉसिबिलिटीज कि जो 2 दिन बचे हैं 52 वीक्स कंप्लीट होने के बाद, किसी लीप ईयर में जो 2 डेज रिमाइंडर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये देगा आपको बेटा सैंपल स्पेस, और ये बनाना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आपको क्या मिला, जो 2 डेज बचे उसमें हम पॉसिबल आउटकम्स पे चर्चा करते हैं। देखो बेटा, ये हो सकते हैं आपके पास संडे मंडे, ये हो सकते हैं आपके पास मंडे ट्यूजडे, ये हो सकते हैं आपके पास ट्यूजडे वेनसडे, ये हो सकते हैं वेनसडे थर्सडे, ये हो सकते हैं आपके पास थर्सडे फ्राइडे, ये हो सकते हैं आपके पास फ्राइडे सैटरडे, ये हो सकते हैं आपके पास सैटरडे संडे, ये हो सकते हैं आपके पास संडे मंडे, जो मैंने पहले काउंट कर लिया।
सो दिस इज अवर सैंपल स्पेस इन केस ऑफ अ लेट ईयर फॉर द रिमेनिंग टू डेज. अब देखिए बेटा इवन ई 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 53 संडे का होना आप इवेंट ई मान लो. इवेंट ई क्या दर्शा रहा है? 53 संडे. ठीक है, तो देखिए ई के फेवर में कौन कौन से केस आएंगे. देखिए बेटा ये तो कन्फर्म है कि संडे 52 संडे तो लीप ईयर में है. ठीक है, अब आपको चाहिए बेटा 53rd डे भी संडे हो, तो सैंपल स्पेस में से कौन सा एलिमेंट उठाएं कि हमारे पास संडे की संख्या 53 हो जाए. देखो एक केस तो ये उठेगा बेटा संडे मंडे. अगर आपके पास ये रिमेनिंग टू डेज, एक डेज में संडे हो एक मंडे हो, तो 52 संडे यहाँ हो गया, एक संडे ये हो गया ना 53 संडे. या फिर और संडे किसमें आ रहा है? इसमें सैटरडे संडे में, एक इसमें आ रहा है आपके पास सैटरडे संडे. तो रिमेनिंग टू डेज या तो संडे मंडे हो या सैटरडे संडे हो, तो आपके पास इस लीप ईयर में 53 संडे हो जाएंगे बेटा. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, पी ओ पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा ई, इसमें कितने एलिमेंट है? दो. ठीक है, और डिवाइड बाय एन एस, इसमें कितने एलिमेंट है? एक दो तीन चार पाँच छः सात. ये आपके पास 2/7. दिस इज योर आंसर. सिमिलर पैटर्न पर एक और क्वेश्चन आप देखिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ नॉन लीप ईयर. देखिए बेटा ये लीप ईयर नहीं है, इसका क्या लगा हुआ नॉन लीप ईयर. मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है और तकरीबन बच्चा लीप ईयर पढ़ जाता है, रफ रीडिंग के चक्कर में नॉन वर्ड हो जाता है. तो दिस इज अ नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर दैट मीन्स सिंपल ईयर. तो यहाँ पर टोटल डे हो जाएंगे बेटा 365. आप इसकी कंप्लीट वीक कन्वर्ट करेंगे, सेम पैटर्न है उसी प्रकार से 1/5 to the 14. अब आपके पास रिमेनिंग डे बेटा 1 है, तो इसको लेके हम एक सैंपल स्पेस जनरेट करेंगे. ये जो एक दिन बचा ये क्या हो सकता है बेटा? ये संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनमें से कोई भी एक दिन हो सकता है. ठीक है, क्योंकि संभावना तो हर डे बचने की, पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे. और आपको चाहिए बेटा 53 संडे, तो इवन इवन मान लो क्या होना 53 संडे होना, 53 संडे. ठीक है 53 संडे. देखिए बेटा 52 संडे तो कन्फर्म है, अब 53rd डे आपके पास संडे तभी होगा जब आपके पास जो रिमेनिंग वन डे है वो क्या हो बेटा संडे हो, यानी कि यही केस फेवरेबल है. तो फेवर में एक केस और टोटल आपके पास वही 7 केस. तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या होगा 1/7. ये दोनों क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है.